मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 20 तक करवाया था. आज की क्लास बेटा फाइनल अकाउंट्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इसका नाम है बेटा फाइनल अकाउंट्स. अभी तक आपका जो टॉपिक चल रहा है बेटा विदाउट एडजस्टमेंट चल रहा है. फाइनल अकाउंट्स का जो ये चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स. मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स का जो ये चैप्टर है इसके अंदर अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग के बाद P&L कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ये सब बता दिया था. मैंने आपको बीच में एक टॉपिक ड्रॉप किया था ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, वो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा साइड बाय साइड. बट आज की क्लास में मेरे पास दो टॉपिक हैं. एक मैं 21 इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं जिसके अंदर मैं बैलेंस शीट ऑफ केसरी एंड सन्स, आप इलस्ट्रेशन नंबर 21 चेक करेंगे, बैलेंस शीट ऑफ केसरी एंड सन्स ऑन 31 मार्च 2017, ड्रॉ अप द बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. ये जो वर्ड मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इसको अंडरलाइन करो बेटा. सबसे पहले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम पेपर में एग्जामिनर इसको स्पेशल केस बनाकर डाल सकता है. बेटा क्या खास बात है, स्क्रीन पर आओ अभी आप, स्क्रीन पर आओ अभी आप. इसमें ना दो टॉपिक हैं, एक है हमारे पास एसेट्स और एक साइड होती है बेटा लायबिलिटीज. मैं जो चीज कहने वाला हूं ध्यान से सुनो बेटा. पता है मैंने आपको ये बताना है आज, कल तक जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था आप स्क्रीन पर एक बैलेंस शीट आपको नजर आ रही है बेटा. इस बैलेंस शीट में एक साइड मैंने एसेट रखी है, एक साइड मैंने लायबिलिटी रखी है. लेकिन अगर आप देखेंगे तो एसेट्स का कोई सिस्टम नहीं है मेरे पास, यहां सीक्वेंस नहीं है. पहले मैंने डेटर रखा, कैश रखा, बैंक आ गया, प्लांट आ गया, ठीक है, स्टॉक कहीं लिखा हुआ है लास्ट में. मतलब मैं किसी भी एसेट को सीक्वेंस में नहीं लिख रहा, मेरे को बस एक बात नजर आ रही है, एसेट है तो एसेट साइड, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड. मैं इसी बैलेंस शीट को ऑन द बिहाफ ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के बिहाफ पर सीक्वेंस ऑर्डर में बनाऊं तो कैसे बनेगा, वो 21 क्वेश्चन में है. लिक्विडिटी के बिहाफ पर बैलेंस शीट बनाने का मतलब बेटा ये है कि आपको सीक्वेंस में बैलेंस शीट को एनालिसिस करना है बेटा. अगर अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, स्क्रीन पर आ जाओ, मैं क्या करूंगा सुनो. बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी अगर मैं बनाकर चलता हूं, बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी अगर मैं बनाकर चलूं तो बेटा एसेट साइड में पहले मैं लिखने वाला हूं करंट एसेट्स. जितनी भी करंट एसेट्स होंगी सबसे पहले वो, क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी करंट एसेट्स की होती है. अगर एसेट्स को बेचने निकलो करंट एसेट से जल्दी पैसा रिकवर हो सकता है. उसके बाद है बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. और बेटा उसके बाद आपके पास आएगा नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स ये आएगा. अगर हम लोग लायबिलिटी साइड की बात करें तो लायबिलिटी साइड में लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग चलें, सबसे पहले नंबर पर आएगी बेटा करंट लायबिलिटीज, उसके बाद आएंगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटी, लिखो करंट लायबिलिटी के बाद नॉन करंट लायबिलिटीज. और बेटा उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो लास्ट में नंबर आएगा कैपिटल का. कैपिटल जब आप लिखेंगे बेटा उसमें ऐड कर दो नेट प्रॉफिट,
ऐड कर दो नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, तो बचेगी बेटा क्लोजिंग कैपिटल। ऐड करेंगे कैपिटल में प्रॉफिट को, लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, तो बचेगी क्लोजिंग कैपिटल। बेटा ये बैलेंस शीट बनती है अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पेपर में बेटा, एग्जाम पेपर में ऐसा पॉसिबल है कि एग्जामिनर क्या करे, आपको जो है शॉर्ट में 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए एग्जाम पेपर में क्वेश्चन बनाकर दे दे। ऐसा पॉसिबल है कि आपको अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी क्वेश्चन जो है वो बनाकर दिया जाए, पूछा जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं बेटा। आपकी जो ये बुक है इसमें क्वेश्चन नंबर 21 बैलेंस शीट बनानी है अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी। अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी फॉर्मेट क्या है वो मैंने आपको बताया। अगर आप क्वेश्चन चेक करते हैं आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 21, आप चेक करिए बेटा, बैलेंस शीट आपको बनानी है केसरी एंड सन्स 31 मार्च 2017 के लिए। कैश इन हैंड हमें दिया हुआ है 11,200, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है 28,800, बिल्स पेबल आपको दिया हुआ है 3,500, बिल्स रिसीवेबल आपको दिया हुआ है 5,300, डेटर आपको दिया हुआ है 18,000। इसने ये बोला कि मशीनरी जो है वो हमने ओपनिंग में थी हमारे पास 85,000, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लग चुका है करंट ईयर में 8,500, तो उसको माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा वो बैलेंस शीट में आएगा। फर्नीचर ओपनिंग में था 21,000, डेप्रिसिएशन लगा 2,100, क्लोजिंग फर्नीचर जो है बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें दी हुई है 15,400, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट है 90,000, ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स हमें दिए हुए हैं 8,000, और ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 31,000। बनी बनाई चीजें हैं सब, सिर्फ प्रेजेंट करना है आपको। आपको ना ट्रेडिंग बनाना ना P&L बनाना, आपको तो बेटा बना बनाया टॉपिक दिया हुआ है, आपने सिर्फ उसको प्रेजेंट करना है कि प्रेजेंट कैसे होगा, और कुछ भी नहीं है बेटा। अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट बनाने की अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, ये देखिएगा बेटा, अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं एज ऑन द डेट एज ऑन 31 मार्च 2017, अगर मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊं तो बेटा मैं अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी अगर बताऊं, अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी बताऊं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ऊपर आपको लिखनी है एसेट साइड में करंट एसेट्स और लाइबिलिटी साइड में लिखनी है करंट लाइबिलिटीज। पहले मेरी बात को सुन लो सभी लोग, बेटा एसेट्स में पहले आएंगी करंट एसेट्स, बाद में आएंगी फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट कह लो। लाइबिलिटी साइड में पहले आएंगी करंट लाइबिलिटीज, अगर कोई लॉन्ग टर्म होगी तो उसके नीचे, और सबसे लास्ट में आएगा कैपिटल। यस या नो, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा? चलिए, अगर मैं बात करूं एसेट साइड की, तो एसेट साइड में पहली फिगर क्या है मेरे पास, कैश इन हैंड। पहली फिगर मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है कैश इन हैंड, ये एसेट साइड में आ जाएगा। कैश इन हैंड हमें दिया हुआ है 11,200। एसेट साइड में पहले करंट फिर नॉन करंट आएंगे। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, लाइबिलिटी होता है बेटा और करंट लाइबिलिटी है, इसलिए लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स। लाइबिलिटीज में पहले करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, उसके बाद कैपिटल। समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? चलूं आगे, फिर पढ़िएगा। क्रेडिटर्स के बाद दे रखा है बिल्स पेबल, लाइबिलिटी में आएगा बेटा बिल्स पेबल।
बिल्स पेबल की वैल्यू है 3500, ये आ गया। उसके बाद दिया हुआ बेटा बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट होता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 5300 है, ये आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स है 18000, करंट एसेट्स में आएगा, ये लिख दिया बेटा मैंने। अच्छा एक बात सुनिए, मशीनरी है 85000, जिस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 8500, फर्नीचर है 21000, जिस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 2100, और उसके बाद हमें लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, जबकि क्लोजिंग स्टॉक बेटा करंट एसेट होता है। तो क्या करिए, पहले लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी हमें बनाना है, पहले लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया। फिर उसके बाद अगर बात करें मशीनरी की, तो बेटा मशीनरी मेरे पास कितनी वैल्यू की थी, 85000, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 8500, ये नेट वैल्यू आ जाएगा बेटा 76500। बेटा फर्नीचर की जो वैल्यू है, फर्नीचर की जो वैल्यू है, फर्नीचर मेरे पास था 21000, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 2100, वैल्यू आएगी 18900। क्लोजिंग स्टॉक मैंने रख लिया। उसके बाद मेरे पास है बेटा प्रोप्राइटर्स कैपिटल, ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट, बस यही फिगर है। तो क्या करेंगे, कैपिटल यहां रखिए आप। बेटा कैपिटल हमारे पास कितना है, 90000, ये रखिए बेटा। इसमें ऐड कर दो आप नेट प्रॉफिट, कैपिटल में नेट प्रॉफिट अगर ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट की वैल्यू है बेटा 31000, ऐड हो जाएगा। लेस करेंगे बेटा ड्रॉइंग्स, अगर आप चेक करते हैं ड्रॉइंग्स की फिगर है बेटा 8000, ये माइनस हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 90 + 31 - 8000 ड्रॉइंग्स, तो वैल्यू बचेगी बेटा 1,13,000। बोथ साइड का जो टोटल है बेटे वो इक्वल आएगा 28,800, 3500, 1,13,000, 1,45,300। इसका टोटल करेंगे अगर आप, एसेट साइड का टोटल करेंगे 145,300। ये वाली बात आप मेरे को बता दीजिए, ये वाली बात सभी को क्लियर है क्या बेटा, बोलिए समझ में आ रहा है क्या बेटे, मैं मान के चलूं क्लियर है आपको। चलो अब पहले मेरी बात को अच्छे से समझ के चलना है बेटा। देखो मैंने अभी तक सही मायने में टॉपिक तो आपको करवा दिए सारे, 2 मिनट मैं स्टडी के अलावा बात बता रहा हूं, ऐसे तो रिलेटेड स्टडी से ही है बेटा। हमने अभी तक पढ़ा है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता या आपको ये चैप्टर करने में टाइम लगता है, क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, तो बेटा ये बात मान के चलना कि आपका एनुअल पेपर खराब होने वाला है। रीजन क्या है कि आपको फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आएगा। किसी भी स्कूल के एग्जाम पेपर में उसका वेटेज 15 मार्क्स से लगभग कम नहीं होता है, मिनिमम 15 मार्क्स और वो 20 मार्क्स तक भी लेके चला जाता है। अब एक क्वेश्चन आप सोचिए जरा कि अगर आपका 100 या 90 मार्क्स का जितना भी पेपर आता है और उसमें एक अकेले क्वेश्चन का वेटेज 20 मार्क्स है और वो अगर गलत हो जाता है तो पेपर का रिजल्ट तो बिल्कुल बदल जाएगा, ये बात तो आप मान रहे हो।
सही बात है ना। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छा अगर करना है तो बेटा फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट जो मैंने आपको करवा दिया, इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होने चाहिए और उसकी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अब मैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पर आऊंगा। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज दी होंगी, उनको आपने इस क्वेश्चन में एड ऑन करते हुए फिर क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। मैं इनिशियल स्टेज की जो क्लासेस हैं उसमें मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको कि भाई फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसका रोल क्या है, वो एडजस्टमेंट एंट्री को हम डील कैसे करेंगे। रट्टाफिकेशन नहीं है। एक बात और समझ लो, जब मैंने आपको फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट की फर्स्ट सेकेंड क्लास की, आपने देखा मैंने ट्रेडिंग पीएनएल का डायरेक्ट फॉर्मेट आपको नहीं बताया। मैंने पहले माइंड सेट किया कि बेटा एक्सपेंस दो तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनकम दो तरह की हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम जो है वो ट्रेडिंग को रिलेट करेंगे। क्यों रिलेट करेंगे, उसकी एंट्रीज क्या बनेंगी वो मैंने बताई। इससे शायद अब आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या बन गया कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट प्रोडक्शन को रिलेट करता है, पीएनएल अकाउंट ऑफिशियल एंड सेलिंग को रिलेट करता है, और बैलेंस शीट आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिलेट करती है। तो अब आपको फिगर्स लिखने में कौन सी फिगर ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी फिगर पीएनएल और बैलेंस शीट में आएगी, मेरे को लगता नहीं है जिन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस किया उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। बाकी काम तो देखो सारा प्रैक्टिस से ही होना है बेटा, मेरा काम वन टू वन इलस्ट्रेशंस करवाकर चलना है, प्रैक्टिस तो आपको जरूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका होगा नहीं है टॉपिक, ये बात तो आप मान के चलो। दूसरी बात, मैंने ना इस टॉपिक के दौरान वैसे तो लगभग सारी बातें बता दी, बट एक छोटा सा कंसेप्ट बीच में मैंने डिलीट कर दिया था, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। रीजन क्या था कि मेरे को आपको टॉपिक से हटा के नहीं चलाना था, मैंने ट्रेडिंग के बाद जस्ट पीएनएल बनाया और बैलेंस शीट बना दिया। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट जो कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं, सही मायने में अगर मैं बताऊं तो पेपर में अगर वो आ गया तो ओनली 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि फुल फ्लैश क्वेश्चन जो आएगा जिसमें ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट आपको मैंने बनाकर दिया, इसमें आपको ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम पेपर में स्पेशल क्वेश्चन आएगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट के लिए, कि भी आपको डेटाबेस देगा और बोलेगा कि कैलकुलेट द ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। सही बात है। तो अगर मैं बात करूं बीच में, अगर आप इलस्ट्रेशंस चेक करें तो आपकी जो बुक है बेटा ये, इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 11 के बाद पीएनएल का फॉर्मेट था और 12 इलस्ट्रेशन पीएनएल को रिलेट करता है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास 13 इलस्ट्रेशन है, उससे ऊपर आपको एक हेडिंग दिया हुआ है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट और एक लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट कि कैलकुलेट कैसे करना है। मैं ना एक काम करता हूं, पहले आपको थोड़ा बाइफर्केशन कर देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मेरे को क्वेश्चन करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यही मैं माइंड एक सेट कर दूंगा आपका बेटे। अगर देखो, अगर आपको मैं, आप फॉर्मेट बना लो मेरे साथ सभी लोग, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, अगर ये दोनों कैलकुलेशन आपको करने हो तो मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं। आपको ये पता है ना डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस किस में आएंगे, ट्रेडिंग में, ये बात तो सभी को पता है। इनडायरेक्ट अगर मैं बात करूं ना, एक काम करिए, इनडायरेक्ट आइटम्स जो होती हैं इनडायरेक्ट आइटम्स में, मैं आपको बहुत अच्छा लिख के बता रहा हूं और मेरे साथ आप नोटबुक में बना लो, जो आपकी बुक में भी नहीं है मैं वो बता के चल रहा हूं।
बेटा इनडायरेक्ट आइटम्स में एक तो होती है इनडायरेक्ट इनकम, और एक होते हैं बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी तो मैंने सारे एक्सपेंस और सारी इनकम पी एंड एल में रख दी। मैंने ये बताया कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सब पी एंड एल की डेबिट में, और जितनी इनडायरेक्ट इनकम है वो सब पी एंड एल की क्रेडिट में। मैंने ये बताया बेटा। लेकिन अगर मैं बात करूं ना इनडायरेक्ट इनकम, बेटा इनडायरेक्ट इनकम जो है इसमें दो पार्ट्स हैं। एक है अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम, और एक है जी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक है अदर ऑपरेटिंग इनकम और एक है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बहुत बढ़िया से इलेबोरेट कर रहा हूं एक एक बात को आपके लेवल से ऊपर जाकर, अगर आप समझ पाएंगे तो। बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक होते हैं बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आप बोले सर एग्जांपल्स देकर बताओ। अदर ऑपरेटिंग इनकम में आता है बेटा कमीशन रिसीव, और एक आता है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, ये अदर ऑपरेटिंग इनकम होती है बेटा। ये बिजनेस से कमाया हमने पैसा लेकिन आता पी एंड एल में। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की अगर बात करें तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। पी एंड एल की क्रेडिट में आपने लिखा है अभी तक रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब इसमें आता है बेटा। इनकम है पी एंड एल की क्रेडिट में आएंगी, बट ऊपर हेडर मैंने क्या बना दिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी हम लोग पूरी बातें डिस्कस करेंगे, सही है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब जो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंस है बेटा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, मैंने एडमिन एक्सपेंस लिख दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बेटा ऑफिस के जितने खर्चे हैं सब और सेलिंग के जितने खर्चे हैं सब। अब ऑफिस के एक्सपेंस की बात करें तो ऑफिस का रेंट, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, जो भी जर्नल एक्सपेंस ऑफिस में होंगे, और सेलिंग में मतलब जितना सेल करने से रिलेटेड एक्सपेंस है सब सेलिंग एक्सपेंस है। और बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर बात करें तो आप लिखिएगा लॉस बाय फायर, प्लीज बातें नहीं, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स,
लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ये सब खर्चे तो हैं पीएनएल में तो आएंगे, बट ये नॉन ऑपरेटिंग है बेटा। आपको मैं हर एक बात बढ़िया से फॉर्मेट में बना के दे रहा हूं, और सही बात बताऊं ना, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ही नहीं, क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लेंगे। मेरे को तो ट्रेडिंग पीएनएल को जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको क्लियर होगा। अच्छा एक बात सभी लोग बताएं, आप सभी लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जीपी तो निकाल सकते हैं? इसमें जो स्क्रीन पर मैंने लिखा है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट को तो कोई आइटम रिलेट करती नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट बना रहे हो, अगर तो आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, आपको मैं पूरी बात बता देता हूं, अभी के अभी क्लियर हो जाएगा बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड से जितने भी एक्सपेंस आ गए, जैसे ओपनिंग स्टॉक आ गया, मैं दो तीन आइटम सिलेक्टेड लिख रहा हूं, पूरा नहीं बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस आ गया नेट, बना लो मेरे साथ ये फॉर्मेट बेटा, और आप लिख लीजिए वेजेस, और एक काम कर लेते हैं, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली डायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी हैं सब ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे बेटा। क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक तो फिगर आ गई बेटा सेल्स, लेस करेंगे रिटर्न्स अगर कोई है तो। बेटे बात को सुन के चलिए, समझ के चलिए, रिटर्न्स को लेस करेंगे, और एक आएगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में ये फिगर्स आ गई। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल लेस करेंगे तो बेटा क्या बचता है, ग्रॉस प्रॉफिट। आप मेरी बात को समझ के चलो, क्या बचेगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट, यस या नो? फिर क्या होगा, आप ग्रॉस प्रॉफिट को यहां रखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, एज पर ट्रेडिंग अकाउंट यहां आ गया बेटा, आप इसमें लिखेंगे बाय अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम। आप बोलेंगे सर अदर ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएगा, ऊपर मैंने टेबल इसीलिए बनवाई है, सही बात है ना, उसमें अदर ऑपरेटिंग इनकम में चेक करो क्या क्या लिखा मैंने, कमीशन रिसीव और डिस्काउंट रिसीव लिखा ना। डेबिट साइड में नहीं, एनालिटिकल हो गया ना, इससे इजी होगा आपको। लेस करेंगे डेबिट साइड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑफिस के सेलिंग के सब खर्चे आ गए। मतलब सीधी बात क्या है बेटा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में केवल अदर ऑपरेटिंग इनकम में प्लस कर दूं और केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में माइनस कर दूं, एक ब्रेक फिर मार देते हैं यहां, यहां से जो बचेगा उसे आप नाम देंगे बेटा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट का, उसे आप नाम दे देंगे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ये ब्रेक लगा दिया देखो मैंने, इसको हमने नाम दे दिया ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, समझ गए आप लोग? फिर इसको कैरी फॉरवर्ड आगे कर लेंगे यहां बाय ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। आप समझ के चलो, थोड़ा मैंने आपको कंसेप्चुअल बताने की कोशिश की है, आपकी बुक में इतना तरीके से शायद नहीं दिया हुआ फॉर्मेट। अदर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपन ने निकाल दिया बेटा, इसमें
लिखेंगे बाय अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम जितनी भी हैं, अगर आप उनको प्लस करेंगे और जितने भी अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप माइनस करेंगे, यहां से आपके पास जो प्रॉफिट निकल कर आएगा इसे हम लोग नाम देंगे नेट प्रॉफिट का। जो मैंने आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाए हैं ना बेटा, अगर मैं सही बात बताऊं तो उसमें से ये वाली जो स्टेज अपन ने बनाई है ना बीच में, ये वाली स्टेज उसमें खत्म हो गई है। तो कि इसको ऐसे लिखा जाए, ये देखो ये वाली जो स्टेज मैंने जो बनाई, ये वाली स्टेज मैंने खत्म करके उसके अंदर। अगर मैं डायरेक्टली नेट प्रॉफिट निकालता हूं जीपी निकालने के बाद, तो जीपी को मैं पीएनएल में लाता हूं, जितनी अदर इनकम है सब पीएनएल की क्रेडिट, जितने एक्सपेंस है सब पीएनएल की डेबिट, और मैं डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर आता हूं बेटा। अगर आपको ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकालना है तो आपको दो स्टेज बनानी पड़ती है। अब अगर इसको आप तरीके से बनाना चाहें तो फिगर्स को आप लिखेंगे तो हो जाएगा। आप अगर क्वेश्चन नंबर 13 प्रैक्टिस करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 13 प्रैक्टिस करेंगे, जिनको बात समझ में आनी चाहिए थी ना बेटा, बात समझ में आ गई कि करना कैसे है। इतना काम करवाने के बाद अगर नहीं होगा तो फिर आपसे नहीं होगा बेटा, सही है। 13th इलस्ट्रेशन बीच में मैंने छोड़ा था, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरी तरफ से बेटा फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, सही है। फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। आप इसको बढ़िया से कीजिएगा और इसी के बिहाफ पर बेटा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट जो है वो हम लोग ऑपरेट करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना करिए, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।